हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की हमारा परवेज की पाठ सात जो कि हमारा घर, इसकी शिक्षण योजना आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोर कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, क्लास, विषय और समय रखेंगे। लर्निंग आउटकम में हमारा बच्चे अपने घर तथा आसपास बने विभिन्न आकृतियों के घरों से उनके आकार, निर्माण सामग्री व महत्व से भलीभांति परिचित होंगे। प्रकरण हमारा घर सीखने सिखाने की सामग्री है। आसपास बने मकान या घर के चित्र, फ्लैश कार्ड, अन्य भवनों के चित्र, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा एप्पल वीडियो आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, इसके लिए भी हमें फोर कॉलम बनाने होंगे जिसमें पहला है क्रम संख्या, फिर चरण, समय और आकलन के तरीके। तो सबसे पहले शिक्षण के प्रारंभ में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है वार्तालाप के आधार पर। शिक्षिका बच्चों को पाठ से जोड़ते हुए चर्चा करेंगी। शिक्षिका बच्चों को कुछ चित्र दिखाएंगी, जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, चूहे का चित्र दिखाते हुए चूहा कहाँ रहता है, शेर का चित्र दिखाते हुए शेर कहाँ रहता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि यह जहाँ रहते हैं वह इनका क्या है? तो बच्चे कह सकते हैं घर है। अब शिक्षिका पूछेंगी कि आप किस में रहते हो? तो बच्चे बताएंगे कि हम घर में रहते हैं। अब शिक्षिका घर पर सामान्य चर्चा करेंगी। मैंने यहाँ एक हट का डायग्राम पेस्ट कर दिया है। अब है शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका प्रतिक्रिया व सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को से पूछेंगी कि आपका घर कैसा है, किससे बना है? बच्चों सोचो, यदि घर न होते तो हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता? आपको पता है, बहुत साल पहले मनुष्यों के लिए घर नहीं थे, वे पेड़ों की छाया, जंगलों तथा गुफाओं में रहते थे। अब शिक्षिका बच्चों को कच्चे पक्के झोपड़ी, दो मंजिला मकानों तथा गांव के आसपास बने अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस के चित्र दिखाएंगी तथा उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे कच्चा मकान किससे बना होता है, ईंट का मकान कैसा होता है, दो मंजिला मकान किसने देखा है, अस्पताल पर कौन सा निशान होता है, डाकघर किसे कहते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बच्चों से पुट अप करेंगे। आप शिक्षिका बच्चों को घर के विषय में विस्तार पूर्वक समझाएंगी, जैसे घर वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला घर है कच्चा घर, तो एक झोपड़ी हम दिखाएंगे बच्चों को कि जो घर मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि से बना होता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। पक्का घर, जो घर सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट से बने होते हैं वे पक्के घर कहलाते हैं। ये एक मंजिला, दो मंजिला इमारतें, बंगला भी हो सकते हैं। इसके बाद है झोपड़ी, जो घर फूस, बांस, लकड़ी आदि का बना होता है उसे हम झोपड़ी कहते हैं। बर्फ का घर, बर्फीली जगहों पर बर्फ के घर बने होते हैं जिन्हें इग्नू कहते हैं। हाउस बोट, कश्मीर में झील, नदी पर तैरते हुए बोटों को घर बना दिया जाता है। अब है शिक्षण के बाद में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है मौखिक प्रश्नोत्तरी। शिक्षिका बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछेंगी, जैसे कच्चा घर किसे कहते हैं, पक्का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है, घर से हमें किस प्रकार सुरक्षा मिलती है। इसके बाद गृह कार्य प्रदत्त कार्य, अपनी पसंद का घर बनाकर उसमें रंग भरो, विभिन्न प्रकार के घर के चित्र इकट्ठा करो। शिक्षक की आगामी योजना रहेगी कि शिक्षिका बच्चों को घर की आवश्यकता और उपयोगिता से पूर्ण परिचित कराने की कार्य योजना बनाएंगी। अब है स्वरचित कविता, जैसे कि मैं हर अपनी टीचिंग प्लान में स्वरचित कविता बनाती हूँ, तो वही है, कितना सुंदर कितना प्यारा जग से न्यारा अपना घर, होते हैं वो भाग्यशाली जिनके होते अपने घर, धूप छांव और वर्षा से हमें बचाते अपने घर, कच्चे हो या पक्के हो सपने पूरे करते घर, ये थक हार कर जब वापस आते राह देते अपने घर, कुछ घर छोटे कुछ घर बड़े, कुछ घर कच्चे तो कुछ घर पक्के, मिट्टी बांस लकड़ी घास से मिलकर बनते कच्चे घर, सीमेंट सरिया बालू ईंट से मिलकर बनते पक्के घर, घर में होते कई हिस्से जिनके अलग अलग होते किस्से, कितना सुंदर कितना प्यारा जग से न्यारा अपना घर।
आई होप आपको ये टीचिंग प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।